भाई क्या आप मेरे जूते खरीद लेंगे? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारा दिमाग खराब है? अपनी हालत देखिए, अपने जूतों की हालत देखिए, तुम्हारे जूते मैं क्यों खरीदूंगा? मैं जानता हूँ इनकी हालत बहुत खराब है, लेकिन मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें खाना खिलाने का ठेका मैंने नहीं ले रखा। जाओ रोड पे बैठो, भीख मांगो, पैसे मिल जाएंगे। मेरी नजरों से हट जाओ। भाई मेरी बात तो सुने भाई, प्लीज भाई। चल हट यहाँ से, तुमसे कितनी बदबू आ रही है। सर क्या मेरे जूते खरीद लेंगे? अपनी हालत और जूतों की हालत देखिए, ये मैं जूते नहीं पहनता। सर मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज ले लें, प्लीज। शना पागल तो नहीं है? मैं ना गेंदा यार। भाई आप ये मेरे जूते ले लेंगे? मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, कब से मैं ये बेचने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं ले रहा। ये जो आपने जूते पकड़े हुए हैं ये मैं नहीं ले सकता, ये किसी काम के नहीं है। आप ये ले जाएं इधर से। भाई आप ऐसा करें, जूते यहाँ से ले जाएं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं पहले से कन्फ्यूज हूँ, ये आपसे इतनी बदबू आ रही है, मुझे ये मॉडर्न बाजार भी छोड़ना पड़ेगा। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। प्लीज मैडम मेरे जूते ले लें, मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जूते सेल हो जाएं लेकिन नहीं सेल हो रहे। मेरे तो खुद के पास पैसे नहीं है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैडम आपके पास जो भी होगा चलेगा, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, आप प्लीज मेरी मदद कर दें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। आपने क्या कहा कि आपने काफी दिनों से खाना नहीं खाया, तो आप क्या ये जूते खाने के लिए बेच रहे हैं? मैडम बात यह है कि मैंने काफी दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, प्लीज मेरी मदद कर दें। मैडम आप क्या सोच रही हैं, मुझे खाने के लिए पैसे नहीं दोगी? प्लीज मेरी मजबूरी समझें। भाई मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, ये 100 रुपए है, ये आप रख लें। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप जूते रख लें। भाई मैंने क्या करना है इन जूतों का, आप अपने जूते अपने पास रखें। क्यों आपको ये जूते नहीं चाहिए? मैं इन जूतों का क्या करूंगी, वैसे भी आप नंगे पांव घूम रहे हैं, आपको इन जूतों की ज्यादा जरूरत है। आपका काम हो गया ना, प्लीज आप अपने जूते अपने पास रखें। मैडम आपका घर कहाँ है, कहीं आसपास है? नहीं भाई मेरा तो कोई घर नहीं है, मैं इधर ही होती हूँ। मैडम आप काम क्या करती हैं? जो काम मिल जाए मैं कर लेती हूँ, किसी के बर्तन धोने हो, किसी के यहाँ झाड़ू लगाना, और वैसे जो 100 रुपया मैंने आपको दिए ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी की गाड़ी साफ की है, उसने मुझे दिए थे। इसका मतलब है आपने सारे दिन की कमाई मुझे दे दी है आपने? तो फिर क्या हुआ, आपको भूख लगी थी, मैंने इसलिए आपको दे दी है, और शायद वो मेरी किस्मत में नहीं थे, आपकी किस्मत में लिखे हुए थे। मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जिनके पास पैसा होता है वो भी किसी की मदद नहीं करते, आपके पास कुछ भी नहीं था फिर भी आपने मेरी मदद की। मेरे भाई मदद करने के लिए पैसों की नहीं, बड़े दिल का होना बहुत जरूरी होता है, और वैसे भी किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है, मैंने इसलिए आपकी मदद की है। वैसे दुनिया में आप जैसी सोच वाले लोग बहुत कम मिलते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, प्लीज आप ये जूते रख लें। अरे नहीं भाई मैंने आपको बोला ना इसकी जरूरत नहीं है, आप जाएं। मैं कह रहा हूँ ना ये जूते रख लें, और मैं आपसे वादा करता हूँ ये जूते रखने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। भाई आज तक तो किस्मत मेरी बदली नहीं है, और वैसे ये जूते क्या मेरी किस्मत बदलेंगे? आप ऊपर वाले पर भरोसा रखें, जो वो चाहता है वो हो जाता है, आप ये जूते रख लें। ये क्या इतने सारे पैसे, ये कहाँ चला गया है? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है।